हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी ड्रीम। यूपीएससी ड्रीम पर आपका स्वागत है और आज अपन बात करेंगे समर यूथ ओलंपिक्स की। समर यूथ ओलंपिक्स अभी अभी ख़त्म हुए हैं ब्यूनस आयर्स में और इसी की हम आज चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए। चलिए शुरू। समर यूथ ओलंपिक जो है अभी अभी ख़त्म हुए हैं, ये भारत के लिए कैसे रहे, भारत ने कैसा परफॉर्मेंस किया, क्या ये हमारा अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था, क्या क्या क्वेश्चन समर यूथ ओलंपिक पे से बन सकते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करेंगे अगले 6 से 7 मिनट के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये क्लोजिंग सेरेमनी जो हुई थी, समापन समारोह, उसकी कुछ झलक, ये ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई फोटो है। जो यूथ ओलंपिक है ये एक नई चीज़ है, इससे पहले ये ऐसा नहीं है कि जब हमारे ओलंपिक खेल स्टार्ट हुए थे, जो 1896 ईयर में हमारे समर ओलंपिक स्टार्ट हुए थे तो बहुत पुराने हैं वो, उनको अब आप देख सकते हैं कि 2018 चल रहा है तो 122 साल हो चुके हैं। लेकिन जो यूथ ओलंपिक हैं, पहली बात तो ये सिर्फ यंग खिलाड़ियों के लिए होते हैं जिससे वो अपनी प्रतिभा को उभार सकें। अगर पूछें कि क्या एज लिमिट होती है, 14 से 18 मिनिमम एज होनी चाहिए, 14 साल, और मैक्सिमम 18। 14 से 18 उम्र के लोग ही यूथ ओलंपिक में खेल सकते हैं। यूथ मतलब ही होता है युवा। अब सबसे पहली बार ये कंसेप्ट कि ऐसे भी कोई खेल होने चाहिए, ये किसने दिया था? ये दिया था जोहान रोजेनजॉफ ने। ये नाम याद कर लीजिए, जोहान रोजेनजॉफ, और ये ऑस्ट्रिया के थे। तो इन्होंने सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट कि एक यूथ ओलंपिक भी होने चाहिए। अब ये कौन से नंबर के यूथ ओलंपिक थे? पहले, दूसरे, तीसरे? ये थे तीसरे। सो दीज वर द थर्ड समर यूथ ओलंपिक गेम्स। और ये जो है कहां पे हुए? ये हुए अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनोस आयरेस में। ब्यूनोस आयरेस ये पहले समर यूथ ओलंपिक थे जो एशिया महाद्वीप के बाहर हुए। सबसे पहली बार यूथ ओलंपिक हुए थे 2010 में, और फिर हुए थे 2014 में, और अब हुए हैं 2018 में, यानी ये तीसरे थे। सबसे पहली बार हुए थे सिंगापुर में, जो एशिया में है, और दूसरे हुए थे चाइना के नानजिंग शहर में, जो अगेन एशिया में है। तो ये पहले खेल थे जो दक्षिण अमेरिका में हुए, क्योंकि आप जानते हैं अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में है, और एशिया के बाहर हुए। 2010 में हुए थे सिंगापुर, 2014 में हुए थे चीन में नैनजिंग में, और 2018 में अब अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनोस आयरेस में। अब ये पूछे अगले वाले कहां पे होंगे, तो अगले वाले जो है वो होंगे सेनेगल की राजधानी डकार में। सेनेगल की राजधानी डकार, ये होंगे 2022। हर 4 साल में एक बार होते हैं यूथ ओलंपिक। इस बार इनका जो आदर्श वाक्य था, जिसको मोटो बोलते हैं, आदर्श वाक्य, वो क्या था? वो था फील द फ्यूचर। फील द फ्यूचर, जिसको स्पेनिश में बोलते हैं VVL फ्यूटरो, क्योंकि अर्जेंटीना की भाषा है स्पेनिश लैटिन, तो इसलिए स्पेनिश में भी आप याद कर सकते हैं VVL फ्यूटरो। इसमें 206 देशों ने हिस्सा लिया, टोटल 239 इवेंट थे 32 खेलों के। इनका शुभारंभ किया अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिसियो माक्री ने। मॉरिसियो माक्री। इनमें 3 खेल ऐसे थे जिनको बोला गया डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट। डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट का मतलब ये होता है कि ये खेल खेले जाते हैं, लेकिन इनमें जो पदक जीते जाते हैं वो पदक तालिका में नहीं जोड़ते, यानी ये खेल एक प्रोमोशनल, एक खेलों का प्रचार प्रसार करने के लिए ये खेल ऐड किए जाते हैं, तो इनको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट। कार्टिंग, पोलो और स्क्वॉश, ये 3 खेल थे इस बार डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स। कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने पहली बार हिस्सा लिया? तो 3 देश हैं जिन्होंने पहली बार हिस्सा लिया। इनमें से दो देश ऐसे हैं, कोसोवो और दक्षिण सूडान, जिनका ये पहला यूथ ओलंपिक था, ठीक है। और एक देश है जिसको पहले स्वाजीलैंड बोलते थे, अब बोलते हैं ई स्वातिनी। तो ये जो देश है इसने पहली बार किसी भी ओलंपिक में हिस्सा लिया, ना सिर्फ यूथ ओलंपिक बल्कि किसी भी ओलंपिक। आप जानते हैं ओलंपिक भी कई तरह के होते हैं, समर ओलंपिक, समर यूथ ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, तो कई तरह के होते हैं। तो कोसोवो और दक्षिण सूडान ने पहली बार हिस्सा लिया यूथ ओलंपिक में, और किसी भी ओलंपिक में पहली बार हिस्सा लिया स्वाजीलैंड ने, जिसको आज हम बोलते हैं ई स्वातिनी। समापन समारोह जो हुआ इसका, वो यूथ ओलंपिक विलेज में 18 अक्टूबर को हुआ। तो ये खेल जो है परसों रात को, मतलब भारत में तो अगर हम देखें तो ये कल सुबह एक तरह से खत्म हुए हैं, और जो ओलंपिक का झंडा है वो अगले होस्ट को दे दिया गया, जो है सेनेगल देश की राजधानी डकार, जहां पे 2022 में होंगे। इनका शुभंकर क्या था, मैस्कॉट? ये एक
जैगुआर, जैगुआर जानवर बिल्कुल चीते जैसा दिखता है, टाइगर जैसा दिखता है। इसको दक्षिण अमेरिका में बोला जाता है यगुआर रैट, और इसका नाम था पांडी। तो क्वेश्चन आए कि मैस्कॉट क्या था, तो आंसर है पैंडी। और ये कौन सा जानवर है, तो आपको ऑप्शन में मिले जैगुआर तो जैगुआर मार्क करना है, अगर जैगुआर ना मिले आपको मिले यगुआर रैट तो आपको यगुआर रैट मार्क करना है। अब बात करते हैं पदक तालिका की। तो पदक तालिका में नंबर वन रहा रशिया, नंबर दो पे रहा चाइना और नंबर तीन पे रहा जापान। रशिया, चाइना और जापान, ये थे टॉप थ्री कंट्रीज। भारत ने कैसा परफॉर्म किया? देखो पहले तो आपको बता दूं भारत जो है वो कौन से नंबर पे रहा, ये पूछेंगे। कितने मेडल जीते ये पूछेंगे, और क्या ये भारत का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था, देखते हैं। भारत से कितने खिलाड़ी गए थे? 46 एथलीट गए थे जिन्होंने 13 स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया, टोटल 36 इवेंट्स में। और ये भारत का सबसे बड़ा कंटिंजेंट था, यानी खिलाड़ियों का समूह सबसे बड़ा था जो इस बार के यूथ ओलंपिक में, यानी तीसरे यूथ ओलंपिक में भारत ने भेजा था। भारत ने इसके अलावा फील्ड हॉकी और स्पोर्ट क्लाइंबिंग में अपना डेब्यू किया, यानी पहली बार टीम भेजी थी फील्ड हॉकी फाइव अ साइड, यानी एक एक तरफ सिर्फ पांच खिलाड़ी होते हैं, वो वाला हॉकी और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। भारत ने 2010 में जो पहले यूथ ओलंपिक हुए थे सिंगापुर में, उनमें 8 मेडल जीते थे और कोई भी गोल्ड नहीं जीता था। और 2014 में जो चाइना के नैनजिंग में हुए थे, वहां भारत ने सिर्फ 2 मेडल जीते थे और कोई भी गोल्ड नहीं जीता था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे अच्छा जो ओलंपिक कहा जाएगा भारत के लिए ये था, क्योंकि भारत ने 3 गोल्ड मेडल भी जीते और टोटल मेडल भी सबसे ज्यादा जीते। अब देखते हैं इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें भारत की ध्वजवाहक थी मनु भाकर, मनु भाकर हरियाणा से हैं और ये शूटर हैं। फ्लैग बेयरर में ओपनिंग सेरेमनी में थी मनु भाकर, और क्लोजिंग सेरेमनी यानी समापन समारोह में ध्वजवाहक थे जेरेमी लाल रिनुंगा। और जेरेमी लाल रिनुंगा सिर्फ 15 साल के हैं और ये मिजोरम के हैं, तो ये वेट लिफ्टिंग करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मिजोरम, क्योंकि मिजोरम उत्तर पूर्व का राज्य है और यहां से बहुत ज्यादा खिलाड़ी नहीं आते, तो मिजोरम से आए हैं ये। और ये भारोत्तोलन में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता और ये क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर थे। भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन था, तो भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? 3 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल, तो सिर्फ 13 मेडल जीते। तो आपको सिर्फ 13 खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पदक तालिका में स्थान क्या रहा? भारत रहा 17वें नंबर पर, 17th फिनिश किया भारत ने। नंबर वन पे था रशिया, नंबर दो पे था चाइना। सबसे पहली बार क्या क्या चीजें हुई? जेरेमी लाल रिनुंगा, इन्होंने भारत का सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता आज तक के यूथ ओलंपिक के इतिहास में, क्योंकि हमने देखा 2010 और 2014 में हमने कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था, तो ये भारत का सबसे पहला गोल्ड मेडल कहा जाएगा जेरेमी लाल रिनुंगा ने जीता। और इस वाले का यानी 2018 यूथ ओलंपिक का भी पहला मेडल इन्होंने जीता, जेरेमी लाल रिनुंगा, मिजोरम के खिलाड़ी। तबाबी देवी, इन्होंने भारत का सबसे पहला यूथ ओलंपिक मेडल जीता जूडो में, जूडो में। मनु बाकर, ये पहली भारतीय लड़की, फर्स्ट इंडियन गर्ल जिन्होंने यूथ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, फर्स्ट इंडियन गर्ल। और जो हमारी हॉकी की टीम है, तो बॉयज और गर्ल्स दोनों ने ही सिल्वर मेडल जीते। तो सबसे पहले गोल्ड मेडल विनर की बात करते हैं। सबसे पहला मेडल जीता था जेरेमी लाल रिनुंगा ने बॉयज 62 किलोग्राम कैटेगरी में, तो ये भी याद रखिए 62 किलोग्राम कैटेगरी, क्योंकि अभी पीछे एक एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा था कि मैरी कॉम ने जो गोल्ड मेडल जीता वो कौन सी वेट कैटेगरी में जीता था, आंसर था 48 किलोग्राम में। तो कई बार ये भी पूछते हैं कि जो वेट कैटेगरी कौन सी थी, 62 किलोग्राम वाली कैटेगरी में जीता, 15 साल के हैं, मिजोरम की राजधानी आइजवाल से। मनु भाकर, इन्होंने भारत के लिए दूसरा गोल्ड मेडल जीता और पहली महिला जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता गर्ल्स 10 मीटर एयर पिस्टल, ये हरियाणा झज्जर से हैं। सौरभ चौधरी शूटिंग, ये मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं, और मेरठ उत्तर प्रदेश से एक खिलाड़ी और याद रख सकते हैं आप, शार्दुल विहान, ये भी काफी अच्छे शूटर हैं और ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे जिन्होंने एशियाई खेलों में पदक जीता था, शार्दुल विहान, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में पदक जीता। तो तीन ही खिलाड़ी हैं, सबसे पहले जेरेमी लाल रिनुंगा, दूसरे मनु भाकर और तीसरे सौरभ चौधरी। अब बात करते हैं सिल्वर मेडल किन्होंने जीता, तो टोटल 3+9+1 थे, तो 9 खिलाड़ी हैं। सबसे पहले तबाबी देवी, 9 नहीं है एक्चुअली, 2 तो टीम ही हो गई, एक तो हॉकी और एक मैन और वुमेन वाली, तो 7 खिलाड़ी हो गए। तो तबाबी देवी जूडो गर्ल्स 44 किलोग्राम में, तुषार माने शूटिंग में, मेहुली घोष शूटिंग में, बंगाल से है मेहुली घोष, लक्ष्य सेन ये है अल्मोड़ा उत्तराखंड से, ये याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य सेन, इन्होंने बैडमिंटन में जीता। सिमरन, सिमरन एक फिल्म आई थी सलमान खान की अनुष्का शर्मा के साथ, सुल्तान, सुल्तान फिल्म में इन्होंने एक्टिंग भी की थी,
उस फिल्म में जो अनुष्का शर्मा की कोच बनी थी वो सिमरन थी। तो सिमरन ने रेसलिंग में पहलवानी में जीता, दिल्ली की हैं ये। सूरज पनवर जो है इन्होंने 5,000 मीटर की जो रेस हुई थी उसमें मेडल जीता एथलेटिक्स में, 5 किलोमीटर वॉक। आकाश मलिक बहुत न्यूज में आए थे क्योंकि किसान के बेटे हैं और इन्होंने तीरंदाजी में आर्चरी में मेडल जीता और 2 मेडल, एक तो हॉकी मेंस टीम और एक हॉकी फीमेल टीम। तो ये थे सिल्वर मेडल। अब बात करते हैं कांस्य पदक। तो कांस्य पदक सिर्फ एक था और वो जीता प्रवीण चित्रवल ने एथलेटिक्स में ट्रिपल जंप में, बॉयज ट्रिपल जंप, प्रवीण चित्रवल। एक बार पदक तालिका को दोबारा दिखाना चाहूंगा इसमें। यहां पे देखिए चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे हंगरी है, ठीक है, लेकिन यहां पे ये खाना खाली छोड़ा हुआ है, ये है मिक्स्ड एनओसी। मिक्स्ड एनओसी मतलब क्या होता है? मिक्स्ड एनओसी मतलब होता है जब विभिन्न कंट्रीज के खिलाड़ी मिलकर टीम बनाते हैं। जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान के खिलाड़ी ने मिलकर टीम बना ली तो वो मिक्स्ड एनओसी होगा, ठीक है, वो खिलाड़ी जीत जाएंगे लेकिन वो पदक तालिका में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो अगर हम उसको काउंट करते तो चौथे नंबर पे होता ये, लेकिन वैसे चौथे नंबर पे था हंगरी। तो भारत के कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने मिक्स्ड एनओसी में पदक जीते? ये याद रखिए पदक तालिका में इंक्लूड नहीं किए जाते, काउंट नहीं किए जाते। तो लक्ष्य सेन, इन्होंने बैडमिंटन में जीता गोल्ड मेडल, लेकिन मिक्स टीम थी तो ये काउंट नहीं होगा। तो जब मैंने गोल्ड मेडल वालों के नाम बताए थे, लक्ष्य सेन का नाम नहीं बताया था। तबाबी देवी ने जूडो मिक्स टीम में सिल्वर जीता और मनु भाकर ने सिल्वर जीता शूटिंग मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल।